Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kaise ho aap sab? I hope all are doing good. Today in this video I am sharing with you fruit facial at home. And this facial suits every skin type, chahe wo normal ho, oily ho, acne prone ho, dry ho and combination ho. इस वीडियो में मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगी कि इस फेशियल के बेनिफिट्स क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसके स्टेप्स कितने हैं, तो आपको पूरी वीडियो गौर से देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेशियल का सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजिंग, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज का। तो यहाँ पे मैंने दो ऑरेंज की स्लाइस लिए है और इसे मैश कर रही हूँ स्पून से ही। यहाँ पे मैंने ऑरेंज का अच्छे से मैश कर दिया है, अब हमें इसका जूस कलेक्ट करना है, जिसके लिए मैं स्ट्रेनर से इसका जूस कलेक्ट कर रही हूँ। तो गाइस, ऑरेंज जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक्ने वगैरह को दूर करता है और हमारे स्किन में ग्लो ऐड करता है। क्लिंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ये हमारे स्किन में हुए डेड स्किन सेल्स, डर्ट वगैरह को दूर करता है और हमारे स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ऑरेंज का जूस कलेक्ट कर लिया है, तो आपने भी इसी तरह ऑरेंज का जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिंजिंग बनाने के लिए ओनली 2 टेबल स्पून ऑरेंज जूस के ले रही हूँ, बिकॉज इतना इनफ है। आप भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही ऑरेंज जूस लेना और जितना बचा हुआ है आप दूसरे फेस पैक में से ऐड कर सकते हो। तो इस ऑरेंज जूस में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हनी। तो जब आप ये स्टेप करोगे तो इससे आपकी स्किन पे हुए डेड स्किन से डर्ट वगैरह सब रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड फ्रेश दिखेंगे। तो इसे आपने लगाना है कॉटन की हेल्प से और मसाज करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ अनार का और इसे भी मैंने ऐसे ही मैश किया है स्पून से, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर। तो ये स्टेप करने से पहले आप एक बार स्टीम कीजिए, जिससे क्या होगा आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। पॉमीग्रेन इज द बेस्ट फॉर स्किन गाइस, बिकॉज ये हमारे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो ये देखिए गाइस, हमारा स्क्रब जो है बनके रेडी हो गया है। तो इसे अपने हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने स्किन में अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा आपकी स्किन डर्ट स्किन से डर्ट, ब्लैक किड्स, व्हाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन सॉफ्ट ब्राइटन अप दिखेंगी। सो थर्ड स्टेप इज मसाज। तो यहाँ पे मैं मसाज क्रीम बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ बनाना। तो बनाना को भी हम इसी तरह मैश करना है स्पून से। तो यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा से मैश कर दिया। तो गाइस, बनाना में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, जो हमारे स्किन में हुए डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस को दूर करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट हाइड्रेट करता है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, और फिर अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं हो तो आप स्किप करके रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। तो गाइस, इससे पहले भी मैंने एक होममेड फेशियल के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। तो इसे आपने अच्छे से मसाज करना है अपने स्किन में 5 से 10 मिनट के लिए, हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो गाइस, हर फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो मसाज ही, बिकॉज जब हम मसाज करते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुल रेडियंट दिखती है। तो आपको भी इसी तरह मसाज करना है अपने स्किन पे हल्के हाथों से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे, जो कि फेस पैक, जिसके लिए मैं यूज़ करी स्ट्रॉबेरी का। आई थिंक स्ट्रॉबेरी सबकी फेवरेट फ्रूट होती है, आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी का अच्छे से मैश किया, एंड यू नो व्हाट गाइस, स्ट्रॉबेरी इज द बेस्ट फॉर ग्लोइंग स्किन, रिड्यूस एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, बिकॉज स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैं इसमें ऐड करी 1 टेबल स्पून लिक्रिज पाउडर। तो यहाँ पे मैं एक ब्राइटनिंग वाइटनिंग फेस पैक बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिक्रिज पाउडर। आप सबको पता ही होगा लिक्रिज जो है वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास लिक्रिज पाउडर नहीं हो तो आप मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, कोई भी पाउडर ऐड कर सकते हो। और फिर अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो गाइस, आप चाहो तो इस फेस पैक को डेली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस फेस पैक को आप डेली यूज़ करोगे तो आपकी स्किन डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटन अप और यूथफुल दिखेंगी।
और इस पूरे फेशियल को अपने हफ्ते में एक बार तो ज़रूर यूज़ करना है गाइस, ट्रस्ट मी। इससे आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन डे बाई डे और भी ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटन अप दिखेंगी। तो ये देखिए गाइस, हमारा स्ट्रॉबेरी फेस पैक रेडी हो गया है। अब इसे मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है अपने स्किन पे। तो जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होता, तब तक इसे अपने स्किन पे रहने दे। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। जल्दी से जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स एंड ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस, 20 मिनट के बाद मेरा फेस पैक जो है पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसे आपने वॉश करना है नॉर्मल प्लेन वाटर से। एंड आफ्टर दी वॉश आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, मेरी स्किन पहले कहीं ज़्यादा यूथफुल, रेडिएंट, इंस्टेंट ग्लोइंग हो चुकी है। तो अगर आप कोई पार्टी फंक्शन में जा रहे हो और आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हो तो इस फेशियल का ज़रूर कीजिए। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है तो ये फेशियल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करेगा। तो आपको वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।